शाम को जो डोडरा को आके है मेरा नमस्कार। हिमाचल सरकार में सीपीएस मोहनलाल बरागटा जी, हमारे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन सम्मानित कीर्ति सिंह खाची जी, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जिन्होंने आज एटीएम का यह जिला में उद्घाटन किया, देवेंद्र श्याम जी, हमारे संजय ठाकुर जी, हमारी चंदौर की नगर परिषद की अध्यक्षा फूला जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय ठाकुर जी, सिंहवास साहब जो आज आपको महिला सम्मान निधि देने जा रहे हैं उसके सचिव हैं, और किरण भडाना जी डायरेक्टर है, डीसी साहब, सारे अधिकारी चाहे वो पीडब्ल्यूडी की है आईपीएच की है आपके पास आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज रात आपके बीच में हूं। इसके बाद मैं अधिकारियों की बैठक लूंगा, बैठक के बाद जो बात पूछाते डोडरा कुमार की है उनमें कैसे सामर्थ बनाया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए इस दृष्टि से हम आपके लिए योजना लेकर आए। डोडरा कुमार में मेरा ये तीसरा दौरा है और जब मैं लॉर्ड स्पीकिंग गया 15 अप्रैल को, उस समय स्पीकिंग की जो समस्याएं थी उसको हमने सुना और वहां अभी जैसे मोहनलाल बरागटा जी कह रहे थे कि सोलर पावर प्रोजेक्ट लगना चाहिए, मैं 2 दिन समिति में रहा। आज तक 15 अप्रैल कभी भी स्पीति में नहीं बनाया गया और कोई भी मुख्यमंत्री 2 दिन ही रहा। जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे जब मैंने कार्यक्रम बनाया तो कहा कि हम शाम को वापिस चले जाएंगे, मैंने बोला नहीं, मेरे को वहां जाकर देखना है, अपने परिवार के आप लोग हैं आपके साथ समझना है और आप जो लोकल खाना खाते हैं उस खाने को मैंने खाना और आपके बीच में रहना। जब से हमारी सरकार बनी है 11 दिसंबर 2022 को, अभी हमारी सरकार के 22 महीने पूरे हुए और 31 तारीख को दीपावली का भी त्योहार है और मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं जो है वो अभी भी सबसे अधिक संख्या में आई है। सबसे अधिक संख्या में आने के बाद अगर कोई घर को दिशा देती है तो हमारी बहनें महिलाएं हैं। हमारी सरकार ने गारंटी दी, भारतीय जनता पार्टी वाले जोर जोर से चिखते हैं कि गारंटियों का क्या हुआ। सोशल मीडिया में इस तरह के भ्रामक प्रचार किया जाता है जैसे कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। झूठ परोसने की जो सबसे बड़ी मशीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी। जब से हम 34 से द्वारा 40 हुए, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, लोगों ने कहा कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, इस सरकार को द्वारा से पूर्ण बहुमत की सरकार 6 विधानसभा सदस्यों को चुनकर भेजा, हम 40 पर पहुंचे। मैं देख रहा हूं आए दिन किसी न किसी प्रकार से झूठा भ्रामक प्रचार किया जा रहा, कभी कहा जा रहा है कि पैसे नहीं है, कभी कहा जा रहा कोई टैक्स लगा दिया, कभी कहा जा रहा नौकरियां खत्म कर दी, ऐसा कुछ नहीं। हम 40 साल से जो व्यवस्था चलती आ रही है उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और जो हम दे रहे हैं आपको वो आपका अधिकार है, उस पर उस संपदा पर आपका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही, कभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोचा गया,
गांव के लोगों के बारे में कोई सोच लेकर नहीं आए। मैं गांव से आता हूं, मेरे परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में नहीं था। मेरी माताजी आपकी तरह गांव में काम करते हैं, मैंने दर्द देखा है, मैंने आपकी पीड़ा को महसूस किया है। और हमने जो बजट रखे, आप हमारे बजट देखना, वो गांव के लोगों के हाथों में, गांव के बागवानों के हाथों में, गांव के किसानों के हाथों में पैसा कैसे पहुंचे। हमने दूध का रेट जो गाय का दूध है वो 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया। हमने भैंस का दूध जो 45 रुपए होता था बढ़ाकर 55 रुपए किया। मनरेगा में जो दिहाड़ी 240 रुपए मिलती थी, मैंने असेसमेंट करवाई, कई लोग मनरेगा में लगते थे, सेक्टरी असेसमेंट कार के 240 की 160 रुपए बनाता था, 160-150 रुपए बनाता था, मैंने उसको बढ़ाकर 300 रुपए किया। कैसे हम आगे बढ़े? और जो आप खेती करते हैं जिसमें सिर्फ गोबर का इस्तेमाल करेंगे, उसमें मक्की का रेट 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी और 30 रुपए किलो गेहूं खरीदेगी। कई चुनौतियां हमारी सरकार के सामने आई, हम उन चुनौतियों से लड़ाई लड़े, हमने हर चुनौती को युद्ध की तरह लड़ा। और उस चुनौती को जब हमने युद्ध की तरह लड़ा, अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज हमने लोगों को दिया। किसी बागवान का सेब उसके बगीचे में नहीं रहा। जब बरसात इतनी अधिक आई पिछले साल अगस्त में, सड़कें टूट चुकी थी, तकरीबन 100 करोड़ रुपए के करीब हमने शिमला में सड़कों के लिए दिया ताकि बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचे। डोडा बार भी आया, मैं ऊपर से देख रहा था कि हमें क्या क्या करना है। इस दृष्टि से हमारी सरकार आपके बीच में आई। आज सरकार गांव के द्वार नाम से कार्यक्रम चल रहा है, सभी मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। हमने आपका पैसा आपको देने की कोशिश की है। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि कोई बच्चा अपनी माता पिता को खो दे, उसको सरकार गोद लेगी? हमने 5000 ऐसे अनाथ बच्चों को, जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यदि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता, हम ऐसा कानून बनाने वाले हिंदुस्तान के पहले राज्य बने। क्या है 27 साल की उम्र तक उन अनाथ बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, पूरी पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार देगी, हर महीने 4000 रुपया पॉकेट मनी देगी। जब बच्चा पढ़ जाएगा तो शादी के लिए 2 लाख रुपए देगी। अगर उस बच्चे के पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं तो 3 लाख रुपया सरकार देगी। क्योंकि समाज का एक ऐसा वर्ग जो कभी अपनी मांग को लेकर नहीं आया, कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आते हैं, अधिकारी अपनी मांग को लेकर आते हैं, किसान अपनी मांग को लेकर आते हैं, महिला मंडल वाले अपनी मांग को लेकर आते हैं, लेकिन ये बच्चे कभी अपनी मांग को नहीं लेकर आए। मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां औपचारिक रूप से मुझे सचिवालय जाना था, मैं वहां नहीं गया, मैं उन बच्चों के पास गया, उनकी भावना देखी। मैंने पाया कि इनके 18 साल के बाद इनका खर्चा कौन उठाता है? कहते कोई दयावान व्यक्ति आ जाता है, वो इनकी पढ़ाई का खर्चा दे देता है। कभी वो दयावान व्यक्ति एक फीस छोड़ देगा तो बच्चा देखता रहता है कि मेरी फीस कौन भरेगा। हमने कहा किसी की दया उन पर निर्भर रहने की इन बच्चों को जरूरत नहीं है, इन्हें सरकार की तरफ से सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी वन मित्र की भर्ती में अनाथ बच्चों के लिए हमने पोस्टें अलग से रखी है कि उसमें उनको नंबर मिलेंगे। विधवाएं हो जाती है महिलाएं,
कमाने वाला चला गया, पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ, बेटी डॉक्टर बन रही थी, डॉक्टर की फीस 1,00,000 रुपए से ज्यादा, पर कमाने वाला पति चला गया, हॉस्टल की फीस 60,000। कुछ दिनों बाद उस विधवा मां को पता लगता है, बहन को पता लगता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बच्ची की पढ़ने के लिए, वो कर्जा उठाती है, अपनी जमीन को रहन रख देती है, अपने मकान को गिरवी रख देती है, कहते है मेरी बच्ची का पढ़ाई हो जाए, डॉक्टर बन जाए, मेरे बेटे की पढ़ाई हो जाए। हमारी सरकार ने उन विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए इस वर्ष जो भी पढ़ाई करने वाली बेटे बेटियां हैं, सारा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाए, यानी कि जो भी बच्चे आपके यहां विधवा माता पिता के जिनकी इनकम 3,00,000 रुपए से कम है, वो सारा खर्च सरकार उठाएगी। अगर वो कोटा में पढ़ रही है, रोहू में पढ़ रही है या शिमला में पढ़ रही है, पीजी में रहती तो 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पीजी का खर्चा भी सरकार उठाएगी। ये आपके लिए है, आपका पैसा, हिमाचल की जनता का पैसा। दिव्यांग हो चुके बच्चे हैं, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, आज तक कोई उनके लिए ग्रेजुएशन तक का कॉलेज नहीं है। उन्होंने कभी मांगने की, हमने सोचा कि उन बच्चों को भी सहारा देना चाहिए, पढ़ने लिखने का पूरा अवसर देना चाहिए। कई माताओं को तो अपने दिव्यांग बच्चों के साथ ही रहना पड़ता है, छोड़ नहीं पाती है, उनके लिए हम सबसे अच्छा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हम कंडा घाट में बनाने जा रहे हैं ताकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई। डोडा अखबार में क्या होना चाहिए, क्या लोगों को मिलना चाहिए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार आपके साथ कार्य करेगी। मैं जब यहां आया तो बोला जाखा का अभी तक रोड ही नहीं बना है, युद्ध स्तर पर हम उस रोड को बनाने का काम कर रहे हैं, 4 किलोमीटर रोड बन चुका है, 2 किलोमीटर रोड अक्टूबर तक बन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि डोडरा कुमार का जिला परिषद पार भी रद्द कर दिया जाए, क्योंकि डोडरा कुमार के जिला परिषद पार में कौन चढ़गांव जाएगा। मैं एरिया में घूमा हूं तो इसलिए डोडरा कुमार का जिला परिषद पार भी हम आने वाले समय में अलग कर देंगे, ताकि यहां के जो जिला परिषद का वार्ड है वो सरकार तक तो आवाज उठाए, नहीं तो चढ़गांव तक भी आवाज रह जाती है। इसके अलावा डोडरा कुमार की जितनी भी 5 पंचायतें हैं, आप अपने गांव को कैसा सुंदर रखोगे, कैसे गांव में पानी जो गंदा होता है उसको निकालने के लिए आप नालियां बनाएंगे, कैसे उसमें आप पेपर ब्लॉक लगाएंगे, अच्छी सड़क बनाएंगे, उसके लिए मैं 5 पंचायतों को प्रत्येक पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। पंचायत प्रधान बैठे पर वो पैसा जमीन पर लगे, और गांव का लोगों का भी काम है कि वो पैसा लगना चाहिए, महिला मंडल उसको देखे, प्रधान जी ठीक काम में वे भी करे, थोड़ा बहुत कोई बात नहीं है लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो उत्तराखंड को 2.5 किलोमीटर रोड जिसका मैंने शिलान्यास किया, इसके अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा हमारे परिवार के आप लोग हैं, अगर 2.5 किलोमीटर बाद मेरे परिवार के लोगों को पक्का रोड मिलता है तो उसमें पैसा नहीं देखा जाए, मैं उसमें आपको पहली ब्रिज लोहे का ब्रिज बनाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। ये रोड आपको पक्के से जोड़ेगा, कोई बीमार हो गया तो फंड से इस रोड से आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। जिसकुल और जाखा के बीच 2 ब्रिज बनने हैं, अब इसमें पैसा बहुत लगना है, जो भी पैसा लगेगा इसको हम पूरा करेंगे। पुहार में एक रेस्ट हाउस है,
उसमें पिछले कई सालों से काफी पैसा खर्च पड़ा है, पर बिल्डिंग के पिलर है उसको पूरा करने के भी मैं आपको पूरा करने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत थी हमारी सरकार उसको देगी। डोडरा और पवार के स्कूल को अच्छा बनाने के लिए अगर आपके पास जगह होगी उस स्कूल को हम अच्छा स्कूल बनाने की भी हम आपकी घोषणा करते हैं ताकि वहां अच्छा स्कूल बने जहां बच्चे पूरे टीचर हो पूरी तरह उसमें उसको पढ़ाई को कर सके। इसके अलावा जो ये अप्रोच रोड है जो चढ़गों से चढ़ के ऊपर आके सारी रोड को जाती है कच्ची आधी, उसको मैंने कहा है कि अक्टूबर 25 तक इसको पूरा कर दिया जाए ताकि यहां से भी आपका पक्का रोड हो जाए। अभी मैं इस रोड पर आया, पिछली बार भी आया, कच्चा रोड है हेलीपोर्ट से लेकर चढ़ाजी के रोड तक। मैंने कहा है इस रोड के लिए पेवर ब्लॉक लगा दिया जाए ताकि इसमें नाली भी बना दी जाए, उसके लिए भी पीडब्ल्यूडी को दिशा निर्देश दे दिए है, उसके लिए भी 25 लाख रुपए हमें देने की घोषणा करता हूं। आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो कोऑपरेटिव बैंक है इसमें बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है और डोडरा क्वार की 200 महिलाएं हैं जिसमें बिना किसी गारंटी के, कोई गारंटी देने की बात नहीं, जमीन देने की बात नहीं है, आप जाओ और 20,000 रुपया आप लोन का उठा लो, जब और आप उस लोन के बाद जब दोगे तो डबल हो जाता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने कम से कम 38,000 महिलाओं को बिना गारंटी के लोन दिया जिन्हें 7 करोड़ रुपए का ऋण हम दे चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार से बातें करती है, किसान सम्मान निधि के रूप में सिर्फ 6,000 रुपया देती है साल को। मैं आज इस मंच से दीपावली से पहले, धनतेरस से पहले 28 तारीख को, क्योंकि दो दिन बैंक बंद है, 29 तारीख को धनतेरस से पहले आज डोडरा क्वार की महिलाओं के सभी खातों में इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि योजना के 18,000 रुपया अकाउंट में आ जाएंगे। और भविष्य में ये 3 साल में 3 किस्तों में मिलेंगे। हम 18,000 रुपये दे रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो रही है, जो 6,000 रुपये दे रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आपको अपनी बहनों को देना चाहता हूं। और ये हर साल मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, जब तक हमारी जो प्यारी बहना है उनके जीवन में अंतिम सांस रहेगी हमारी सरकार आपको हर साल 18,000 रुपये देंगी। ये हमारी गारंटी, अभी तो और भी कुछ आपके लिए लाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये सब चोर दरवाजे हमने बंद किए जो धन लुटा दिया जाता है, और जब हम धन लुटाते हैं तो कुछ भ्रष्टाचारियों को थोड़ी तकलीफ होती है कि ये पैसा बंद हो रहा है, अपनी महिलाओं को बढ़ रहा है। हमने जो आपका धन था, हिमाचल की जनता का धन था, उस धन को बचाया, 1 साल में 2,200 करोड़ रुपए का हमने राजस्व कमाया और 1 साल के बाद इस साल हम 400 करोड़ रुपया और ज्यादा राजस्व कमाने जा रहे हैं। नीतियों में परिवर्तन किया, नीतियों में परिवर्तन, कोई सोच सकता था कि 20 महीने में आपके जाखा जुखलू सड़क की तेजी से बढ़ेगी, कोई सोच सकता था कि इस डोडरा क्वार में आकर कोई मुख्यमंत्री पहली बार अपनी रात बिताएगा, 75 साल में किसी मुख्यमंत्री ने अपनी रात नहीं बिताई, जो आज आपके साथ बिता रहे हैं। डोडरा क्वार के पुल के लिए 50 लाख दे दिया जाता था, मैं 4.5 करोड़ रुपया ताकि आप पक्की सड़क से जुड़ सके। जिला परिषद का अलग बार बनाया जाएगा और जो मैं आपके हॉस्पिटल का निरीक्षण करने जा रहा हूं वहां नर्सों की भी भर्ती की जाएगी और जो डॉक्टर है उसकी भी नियुक्ति की जाएगी ताकि आपको फर्स्ट एड अच्छी तरह मिल सके। ये सब चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं हम
हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है। हमने अभी सबको दिवाली से पहले 4% दिए दिए। आपके पेंशन और पे पर जो सरकारी कर्मचारी है 1,70,000 और पेंशन वाले 1,80,000, उनको हम महीने का कितना पैसा देते हैं, मैं आपको भी जागरूक करना चाहता हूं। हर महीने हम पे का 1200 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और पेंशन का 800 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। क्या होता है कि पहली को हम 2000 करोड़ रुपए का 7.5% के हिसाब से आरबीआई से लोन ले लेते हैं और लोन का 7.5% के हिसाब से 3 करोड़ इंटरेस्ट बनता है। हमने कहा कि इस इंटरेस्ट को रेशनलाइजेशन करना है। जो पीछे हम 22 से 30 तारीख तक पैसा ट्रेजरी से निकालते हैं उसको थोड़ा रेशनलाइजेशन करके हमने 1 तारीख को तनख्वाह का किया, बड़ा हल्ला मचा, हमने उसको ठीक किया। और जो पैसा ठीक करके आपके लिए मैं खर्चता हूं, मुझे उससे खुशी मिलती है कि मैं आम आदमी और गरीब आदमी को पैसा देना चाहता हूं। हमने अब यह भी फैसला किया है कि जो विधवा है जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है उसको 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए हमारी सरकार देगी। इनकम 3 लाख कर दी हमने, इनकम 3 लाख कर दी। मनरेगा में जो महिला विधवा हमारी काम कर रही है मनरेगा में, उसको भी हमने 3 लाख रुपए देने का फैसला किया। ये सारी चीजें गांव के लोगों के लिए, तो मेरा यह मानना है, अब भूख भी लग पड़ी होगी, हमें भी भूख लग रही है, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों की सरकार आई है। जो भारतीय जनता पार्टी वाले झूठा प्रचार करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मेरी उनको भी सलाह रहेगी कि तकरीबन थोड़ा सा सबर करके पूरी स्कीम को तो समझ लीजिए। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद जब से हमारी सरकार आई है सबसे ज्यादा डीए हमारी सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय तो सरकारी कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया गया था, हम दे रहे हैं। 75 साल से ऊपर के लोगों का सारा एरियर दिया है। क्रास फोर्थ इंप्लाइजेस पर कहा कि दिवाली में 20,000 रुपया मिलना चाहिए। पुलिस कर्मियों को 8 रुपए पर डे के हिसाब से गाइड मनी मिलती थी, हमने बजट में 1,000 रुपए अनाउंस की, साल का 12,000 रुपए का उसका हमने फायदा किया। सारे समाज के वर्ग, चाहे वो कर्मचारी है, पेंशन वाले हैं, गांव के लोग हैं, आम लोग हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा है, उन सबका हमारी सरकार ख्याल रख रही है। 20 महीने में 20,000 रोजगार के अवसर हमने पैदा किए, 20,000। भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने 5 साल में सिर्फ 20,000 रोजगार के अवसर पैदा किए और सारे के सारे हाईकोर्ट में फंस गए। हमारी सरकार कैसे मानेंगे, क्योंकि हम अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन की जरूरत होती है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस की जरूरत होती है। तो आज मैं अपनी महिलाओं को, जो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि का चेक भी दूंगा और आने वाले समय में हर साल जो 509 महिलाएं यहां हैं, अभी 509 महिलाओं को हम ये सम्मान दे रहे हैं। इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि से 1518,000 रुपये हम साल का दे रहे हैं ताकि महिलाएं अपना भी ख्याल रखें और वो खाने में भी खर्च करना, सेहत के लिए भी, उसमें पोषण भी लेना है, अपनी सेहत ख्याल रखनी है, पति देव की सेवा भी करनी है, पर ऐसे नहीं करनी जो अपने पैसे से करनी है। तो आपने इन सब चीजों का ख्याल रखना है। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये आपसे भी कहना चाहता हूं, डोडरा क्वार के लोग हमारे परिवार के लोग हैं, एक बस की बात की है जाखा तक, जिसकूल तक, वो सड़क तो कच्चा है,
उस बस को भी शुरू कर दिया जाएगा। बस कर दी कि छोटा टेम्पो ट्रेवलर करना है वो हम देख लेंगे। अगर ये खुद ही खरीदना चाहते तो सरकार को खुद भी पैसे दे देगी पंचायत को कि आपने चलाना हो। तो हम ऐसा भी सोच रहे हैं ऐसी योजना का। तो वहां भी जैसे अभी तो टेम्पररी सड़क है, जब पक्की हो जाएगी फिर तो चलेगी, तब तक हम आपको टेम्पो ट्रेवलर की सुविधा उपलब्ध कराने की बात करेंगे। इसके अलावा हम आपके पास सीधे तौर पर पैसा देने चाहते हैं। ये तो अभी शुरुआत है। 2027 तक हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे। 2032 तक आप पूरे हिमाचलवासी बड़े गौरव से कहेंगे, बड़े गर्व से कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य है। आप सबकी जेब में जब ज्यादा पैसा आएगा तब आप समृद्धशाली राज्य बनेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा पहला भाषण सुन लेना, पहले पहले थोड़ी सी अधिकारियों को समस्या आई, वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज 2000 पहले बजट की सारी योजनाएं लागू कर दी गई है और दूसरे बजट की योजनाएं को हम नहीं जाना, हम करना रहे। हम आप जैसे परिवारों से उठकर राजनीति में आए हैं, दर्द भी जानते हैं, पीड़ा भी जानते हैं और समस्या का समाधान करना भी जानते हैं। यही इस कांग्रेस पार्टी की नीति है और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने इस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत। सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए जगह तो जगह अभी बजट में दूंगा, जगह तो पैसे मिल गया आपको। धन्यवाद। ठीक है, मैं आज सुख सम्मान निधि योजना का दौरा करा के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सम्मान में। इस योजना के तहत क्षेत्र की ब्राक्टा जी ने कुछ और कागज दिए कि ब्राक्टा जी तो रोज ही आगे रोड और डोडरा का समस्याओं के लिए उसे बोलते रहते हैं। ओबीसी घोषित करने वाली जो माननीय केंद्र सरकार ने हमारी सरकार ने अच्छी पहल करने की कोशिश की। एक भूमिगत केवल के लिए है, कौन से स्कूल में सरकारी बैंक की शाखा, सारा अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी बिहारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत इस क्षेत्र की कुल 509 महिलाओं को 18,000 रूपये प्रति महिला के हिसाब से पूरे साल की राशि। मैं एक और पूछना जो हमारी स्कूल की बच्चियों ने नृत्य किया है उसके लिए मैं उनको 50,000 का देने की घोषणा करता हूँ। इंदिरा गांधी डेयरी योजना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 5 पंचायतों की लाभार्थियों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। पहले कसम देवी जाखा पंचायत से कसम देवी, फिर दिया मेरा नहीं तुम बोला है। मैं तो साइड से लेना जाका पंचायत से सरसों देवी, निशा देवी, राशि को जो बढ़ाकर 1500 किया गया है उसके तहत
लाभार्थियों को यहाँ लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत क्षेत्र की कुल 505 महिलाओं को लाभ मिलेगा और इस पर 47,47,000 रुपए की राशि होगी। जाखा पंचायत से परसन देवी, परसन देवी के बाद निशा देवी, निशा देवी के बाद बिंदर देवी, निशा देवी, बिंदर देवी, राम कुमारी, विकला देवी, परसन देवी जाखा पंचायत देवी के बाद निशा देवी, परसन देवी कौन है जी? आप देवी निशा जी, निशा देवी, निशा देवी के बाद बिंदर देवी, अभी कुछ हो रहा है राम कुमार, राम कुमार, राम कुमार सर, बिंदर देवी के बाद राम कुमारी, पेंशन का सर्टिफिकेट राम कुमारी के बाद त्रिकुणा देवी, इसी प्रकार आगे कुमार पंचायत से प्रिज्मा, कुमार पंचायत से प्रिज्मा, प्रिज्मा के बाद उषा ठाकुर, हेमा इसके बाद, उषा ठाकुर के बाद हेमा देवी, हेमा देवी के बाद अंतिमा, अंतिमा के बाद निशा देवी, दूसरा पंचायत से दक्षिणा देवी, बनीता, बनीता दूसरा पंचायत दक्षिणा देवी, उसके बाद सुरेखा, अभिषा, आशा, प्रियंका जी, कौशल्या इसके बाद जा रहे हैं, कौशल्या जमिया, सुशीला जी, इसके बाद सुशीला जी जा रहे हैं, इसमें दीपिका जी तैयार है, माता जी एक रुक जाओ हट जाओ आगे सेट हो, रोकने को बोल रहे साहब, वीरेंद्र जी, क्षेत्र की कुल 509 महिलाओं को 18,000 रूपए प्रति महिला के हिसाब से पूरे वर्ष के जो राशि है 18,000 रूपए एक बार में स्थानांतरित की जा रही है, जिसका कुल योग है 91,62,000 रूपए। दे दो सर साथ में, पांच पंचायतों की महिलाओं को यहाँ
सम्मान किया जा रहा है, उसमें जाखा सवार दर्दवारी जिसको आरोप शामिल है। सुरेखा सुरेखा प्रतिभा संतोष और थैंक यू।